अधूरे आवास और शौचालयों को लेकर ग्रामीण परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। महाराजगंज जनपद के विकास खंड निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा सोहगी बरवा, जो कि रेता क्षेत्र में आता है, वहां आवास और शौचालय के कुल अधूरे होने के नाते ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आवास और शौचालय में पैसे की बंदरवाड़ की भी शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत की है और ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 15 दिनों से चल रहे इस प्रकरण में कोई भी संबंधित अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच सका है। वहीं जिलाधिकारी को आवेदन पत्र देकर जब ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की, तो जिलाधिकारी द्वारा संबंधित थाने से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको लेकर थाना जांच पड़ताल कर रहा है। देखना यह होगा इस मामले में उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर किस तरह की जांच करते हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का ही एक सरकारी कर्मचारी, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त है, उसके द्वारा पैसे निकाल लिए गए हैं और उस पर काम नहीं करवाया जा रहा है। अधूरे शौचालय, अधूरे आवास और कुछ जगहों पर मानक विहीन कार्यों से भी ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के आरोप के अनुसार गांव के रोजगार सेवक द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप कितना सही है, इसकी तो जांच के बाद ही परत खुलेगी और ये देखना यह होगा कि उच्चाधिकारी आखिर कब इस प्रकरण की जांच करते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी आवास और शौचालय के पैसे DBT के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में जाते हैं और कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। ग्रामीणों के खाते से पैसे कभी प्रधान, कभी सचिव और कभी कोई भी जिम्मेदार लेकर उसको बनवाने की बात करता है और फिर बाद में ये शिकायत आती है कि यहाँ धन का बंदरबांट हुआ। DBT योजना की बात करें तो DBT योजना इसीलिए लाई गई थी ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सके और इसमें किसी भी तरह की धांधली न की जा सके। लेकिन DBT योजना के बावजूद या तो ग्रामीण या फिर जिम्मेदार दोनों इस योजना के बीच का लूपहोल खोजने में सफल हो चुके हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरी प्रकरण की किस तरह से जांच की जाती है और इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही होती है। देखें जनमंच खबर के लिए हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कितना दिन से बन रहा है ये? 7 महीना। 7 महीने से आवास बनता है? 7 महीने से दूसरे घर में रहता है। आपका घर नहीं है? नहीं। कितना पैसा निकाल चुकी है आवास? 1,20,000। देख सकते हैं आप कितनी दिक्कत में है ये महिला, और यहाँ से ये कटरेन डाल के और इस घर में रह रही है। ऊपर छत नहीं है, पैसे का पूरा निकासी हो चुका है और अभी तक इनका घर कम्प्लीट नहीं हुआ है। कितने लोग हैं आपके घर में? 5,000। बच्चे कितने हैं? 3 गो और 2 आप लोग। और इसी घर में रहती हैं आप? महिला है, 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को लेकर वो इसी घर में, अधूरे घर में रह रही हैं। और इधर देख सकते हैं शौचालय है और इस मोहल्ले में जो भोतहा टोला है वहाँ पर सारे शौचालय ऐसे ही मिलेंगे, सब अनकम्प्लीट हैं और सभी का भुगतान हो चुका है। खराब है, केहू से खराब बा, केहू को उठल बा देवाल, केहू के नहीं के उठा है। हाँ। सब मन लैकनी पतोई सब कहाँ? हाँ। जाने लो जंगल में, जंगले में जाने। हाँ। लो यहाँ पर चारों तरफ जंगल एरिया है। हाँ। जहाँ पे सांप, चीता, भालू सब होते हैं और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर और जंगल में जाती हैं शौच के लिए। हालांकि सरकार द्वारा इन्हें सुविधाएं मिली हुई है लेकिन बीच में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सारा पैसा गमन कर गए हैं। ये आवास आप देख सकते हैं, आवास बन रहा है जो कि अधूरा है। कितने दिन से अधूरा है ये शौचालय? कब से बन रहा है? साल भर हो गया। साल भर से बन रहा है। कितना पैसा आप निकाल चुकी हैं? सब पैसा दिया गया। कितना पैसा दिया गया? 1,20,000। आप कितना ये जो है पूरा केवल इसमें डस्ट है और इसी तरह से हर जगह धांधली की गई है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये शौचालय बना हुआ है और ये अधूरा है। टंकी है वो टूट चुकी है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिनका ये शौचालय है उनसे कि कब का बना हुआ है। हमारी ना कितने दिन हो गए शौचालय बने हुए? हो गए 3 साल होते बा। 3 साल से अधूरा है, कभी चालू नहीं हुआ था। आप लोग कभी उसका इस्तेमाल नहीं किए? और बस के दस जी। हाँ ये बताइए आपके खाते में पैसा आया था या फिर कोई और बनवाया था? दूसरा का बनवा बस सब कुछ लेगा, पैसा कौड़ी सब लेकर। पैसा आपके खाते में नहीं आया था? आई बाकी कटहरिये से ले ला ले जा। जैसे जैसे ही आप पैसा निकाली तो कोई और ले लिया और पैसा बटोर के जी। हाँ नगरी लोग का मतलब और भी मतलब भाई बनल बा हो दबा। सबके अधूरा है? अधूरा वही तरह बा, कंप्लीट किसी का नहीं है। इधर एक और शौचालय है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, वो भी अधूरा ही दिख रहा है।
और पूरे गांव के लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर जितना भी बजट आया है हर बजट में धांधली हुआ है। आवास से लेकर शौचालय, सड़क से लेकर नालियां तक, नालियां तो यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा कि नालियां यहां पर कहीं भी बनाया नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है कि महिलाओं को बाहर ना जाना पड़े, महिलाएं जो हैं किसी तरह का उत्पीड़न ना हो। कहीं ऐसा होता है कि महिलाएं यदि बाहर जाती हैं तो अक्सर कर देखा जा रहा है कि शौचालय को महिलाएं जाती हैं, छेड़छाड़ होता है, तो बहुत सा ऐसा प्रकरण देखा जाता है। और इसी के मद्देनज़र और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने घर घर शौचालय बनवाने का यह अभियान चलाया, जिसमें कि शौचालय बना है लेकिन अधूरा है और महिलाएं और बहु बेटियों को सड़कों पर जाना पड़ रहा है और सड़क पर जाने के लिए बहु बेटियां मजबूर हैं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।